आरा में हमको ये बताना है कि ये सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो एक एक करके लेते हैं। इसमें नीचे जो है सारी चीज़ों का बताया है कि ये क्या चीज़ है, एच हाइट है, सरफेस टेंशन है, एक एक करके हम देखेंगे कि ए वाला पार्ट लेते हैं। पहला वाला पार्ट, पार्ट ए, एच है, एच इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। एच का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, टू को हटा देते हैं कांस्टेंट है, कॉस थीटा हटा देते हैं क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है बेस का डिवाइडेड बाई हाइपोटन्यूज, तो ये दोनों लेंथ लेंथ की रेशियो है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। एस हमारा दिया हुआ है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अगर आपको ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ दीजिए क्योंकि सरफेस टेंशन आपने पढ़ा नहीं है, बट या तो एक हिंट ले लीजिए, सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है और उसको जो है बाद में आप आके कर लीजिएगा जब सरफेस टेंशन पढ़ लिए हो। तो सरफेस टेंशन हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई एल, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एल्टीट्यूड पर माइनस टू और नीचे आ जाएगा एल। अब आते हैं ये रो पे, रो है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब आ जाएगा, आर लेंथ है, जी एक्सीलरेशन डी टू ग्रेविटी है, एल टी टू द पावर माइनस टू आ जाएगा। अब इस पे देखते हैं एल टी टू द पावर माइनस टू, एल टी टू द पावर माइनस टू यहां से कट गया, मास मास से कट गया, एल टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई एल इंटू एंड एल स्क्वायर ये आ जाएगा एल, तो इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर बी, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई रो। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी टू पावर माइनस वन, राइट हैंड साइड में देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स है एम मास इंटू एक्सेलरेशन यानी एम इंटू एल टी टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया, मत भूलिएगा यहाँ एल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसका पी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम डिवाइडेड बाय एल टू द पावर ऑफ थ्री, एम एम कैंसिल हो गया, यहां से बचा एल की पावर वन, एल की पावर थ्री, एल टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई एल टू पावर टू हो गया एल टू द पावर टू, टी टू द पावर माइनस टू, यानी ये बन के हो जाएगा एल टी टू द पावर ऑफ माइनस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वेशन हो गया, ये वाला भी प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट वाला है प्रॉब्लम में है वी है वॉल्यूम, ये वी यहां पर दिया हुआ है वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम को हमको इक्वेट करना है किसके साथ, वी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई प्रेशर पी आर टू द पावर फोर टी डिवाइडेड बाई एट नीटा एल। यहाँ पे आपको कुछ चीजें मालूम है, कुछ चीजें नहीं मालूम है, इसके जो चाहे तो इस पर नीटा एक नया टर्म है, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको आपको अभी नहीं मालूम होगा लेकिन नीटा की डेफिनेशन है, इससे आती है फोर्स बराबर नीटा ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डी वी बाई डी एक्स, यानी कि डी वी क्या है, वी वेलोसिटी है और ये एक्स डिस्टेंस है, तो इनके जो है अगर आप डायमेंशन लगा दीजिएगा तो इसको हम थोड़ा सा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो डीवी का मतलब एल टी टू द पावर ऑफ माइनस वन हो गया, एल एल नीचे ऊपर नीचे का कट जाएगा तो ये टी टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, एन ए टी टू द पावर ऑफ माइनस वन, यानी नीटा को निकालना होगा तो फोर्स एफ डिवाइडेड बाई ए और टी की पावर भी यहां पर लगा दीजिए टी टू द पावर माइनस वन, इसी चीज को हम यहां पर यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से हमारा वॉल्यूम है एल टू द पावर ऑफ थ्री हो गया, राइट हैंड साइड में पाई और एट को हटा देते हैं डायमेंशन के लिए, पी का मतलब ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, आर टू द पावर फोर को एल टू द पावर फोर लिख देते हैं, इसके बाद बचा है टी को टाइम लिख देते हैं, नीटा को यहां से लिख लेते हैं फोर्स बाय एरिया और यहां पर लिख देते हैं टी टू द पावर ऑफ माइनस वन। तो नीटा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, नीटा हमने लिखना है, नीटा आता है होगा एफ एफ डिवाइडेड बाय ए और ए इंटू टी टू द पावर माइनस वन, ये आ गया यहाँ से फोर्स फोर्स के साथ कैंसिल हो गया, एरिया एरिया के साथ कैंसिल हो गया, टी टू द पावर वन और टी टू पावर माइनस वन कैंसिल हो गया, बच्चा हमारा अच्छा ये एक एल छूट गया था तो यहाँ पे एल आ जाएगा, तो एल इससे कैंसिल होकर के ये वाला भी एल टू द पावर थ्री आ जाएगा, तो एल क्यूब और एल क्यूब बराबर हो गए, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। फाइनली है पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी में है म्यू दिया हुआ है, म्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। म्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टी यानी टी टू द पावर माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में
स्क्वायर रूट ऑफ एम मास जी है एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी एल टी टू पावर माइनस टू एल लेंथ है एल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्जिया होता है एम एल स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एम एम कैंसिल हो गया एल 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 स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टी टू पावर माइनस टू यानी कि टी टू पावर माइनस वन हो गया तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट